तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, शिमला मिर्च मसाला। आप इसे बहुत कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 शिमला मिर्च ले लिया। हम इसे इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे और इसके बीज को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीज निकाल लिया है और अब हम इसे लंबा लंबा कट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। ये 10 मिनट्स में ही बन के तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। और मैंने इसे बोल में ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया है और इसे भी हम लंबा कट कर लेंगे और इसके सारे लच्छे को अलग करते हुए हम इसे भी बोल में डाल देंगे, जिससे कि ये आसानी से जो है मिक्स हो जाए। और अब मैंने 1/4 कप फली ले लिया है, जिसे रोस्ट कर लिया था और इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है। और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम इसे एक साइड में रख देंगे। और अब मैंने पैन पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे और इसे चटकने देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून तिल ले लिया है और 4 लहसुन, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और अब हम इसे 10-20 सेकेंड्स के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें शिमला मिर्च को भी डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। और अब ये फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें 1 कप मिल्क डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है, जिससे कि जो हमारा दूध है वो फटे ना। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। आप जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसे सर्विंग बोल में से डाल देंगे। और अब हमारा शिमला मिर्च मसाला बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।